Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about MGNREGA. एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. सो MGNREGA इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. मतलब महात्मा गांधी के नाम अनुसार जो नेशनली मतलब वो पूरे देश भर में जो ग्रामीण इलाका है उन पर जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में वहां पर एक गारंटी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को. ओके, ये किस गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ने किया है इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इम्प्लीमेंटिंग द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये जो MGNREGA है इसको इम्प्लीमेंट किया है, इसके बारे में सारे काम किया है किसने? मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो ग्रामीण उन्नयन के मंत्रालय है उन्होंने इसके बारे में डिटेल्स बातें की है. दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टचेस द लाइव्स ऑफ द रूरल पुअर एंड प्रोमोट इंक्लूसिव ग्रोथ. मतलब गांव पर जो रूरल लोग है, गांव पर जो लोग है उनको एक उनके लाइफ पर एक इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनका लाइफ अच्छा हो, उनका लाइफ का जो प्रोसेस है वो और उभर कर आए, उनका लाइफ का जो मतलब उनको लाइफ का और अच्छा करना, इसके लिए स्कीम को लाया गया है कि उनको ग्रोथ कैसे किया जाए इसके लिए स्कीम लाया गया है. ओके, ऑब्जेक्टिव क्या क्या देखते हैं. ओके, सो MGNREGA विथ इट्स लीगल फ्रेमवर्क एंड राइट्स बेस्ड अप्रोच वाज नोटिफाइड इन द ईयर 2005. सो MGNREGA जो स्कीम है ये 2005 में नोटिफाइड फर्स्ट केम टू नो, हमको पता चला कि ये स्कीम आया है. ओके, इट एम्स एट एनहेंसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी बाई प्रोवाइडिंग एट लीस्ट 100 डेज गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलेंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. मतलब गांव पर जो लोग हैं उनको लाइफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड के लिए, उनको काम देने के लिए साल भर में 365 डेज में 100 डेज उनको गारंटेड एक काम देने के लिए एक साल में एक जो एडल्ट मेंबर है गांव के फैमिली में, हर फैमिली में एक लोगों को एक अनस्किल जो कोई स्पेशल काम नहीं जानते हैं उनको काम देने के लिए ये स्कीम लाया गया है. साल में सिर्फ 100 दिन उनको काम दे सरकार देगी. ओके, द एक्ट कवर्ड 200 डिस्ट्रिक्ट इन इट्स फर्स्ट प्लेस and was extended to all the rural districts of the country in phase second phase. मतलब first जो phase था 2005 से लेकर उस phase में 200 district के ऊपर ये scheme लागू किया गया. उसके बाद जो rural areas में सारे गांव के ऊपर ये scheme लगाया गया. Okay? The MGNREGA is the first ever law internationally that guarantees wage employment at an unprecedented scale. The primary objective of the act is meeting the demand for wage employment in rural areas. मतलब ये एक first ever law ऐसा है जो guarantee देता है कि वो काम देंगे गांव के लोगों को काम देंगे, ऐसा एक guarantee provide करता है. और इसका main जो motto है कि जो गांव के लोगों को के पास काम नहीं है उनको काम देना, डिमांड उनका जितना डिमांड है उनको वे काम देना और उनके हिसाब से उनको जो पैसा है उनको देना. ओके, द वर्क्स परमिटेड अंडर द एक्ट एड्रेस्ड कॉजेस ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी लाइक ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोशन सो द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज सस्टेनेबल. मतलब गांव में क्या होता है कि अभी पानी सूख गया हो या फॉरेस्टेशन फॉरेस्ट नष्ट हो गया हो या कोई भी कॉज है, मतलब मिट्टी का कोई प्रॉब्लम हो, सो इसके वजह से अगर वो लोग जो खेती बाड़ी करते थे वो अगर ना कर पाए, उनका कोई प्रॉब्लम हो तो इस वजह से उनको ठीक करने के लिए तो इस वजह से उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था. ओके, सो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने के लिए 100 डेज उनको काम दिया जा रहा है. ओके,
Next, the Act is also a significant vehicle for strengthening decentralization and for deepening the process of democracy by giving a pivotal role to local governance bodies, that is Panchayati Raj institutions. इससे क्या हुआ, इस स्कीम से क्या हुआ, इस स्कीम से जो हुआ, जो डिसेंट्रलाइजेशन है हमारे देश में, जो डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको और मजबूत करने के लिए, और लोकल जो बॉडीज है पंचायती राज जैसे इंस्टीट्यूशंस को और पावरफुल करने के लिए और उनको और ज्यादा काम देने के लिए ये स्कीम लाया गया. और इस स्कीम से क्या हुआ, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि पंचायत इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा काम करने लगे. नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स क्या क्या है इस स्कीम के. ओके क्या क्या है देखते हैं. फर्स्ट है राइट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट मेंबर्स ऑफ रूरल हाउसहोल्ड विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. मतलब उनके पास एक राइट हो रहा है, उनके पास अधिकार आ रहा है, जो गांव में जो लोग रहते हैं एडल्ट मेंबर फैमिली में, उनके पास अगर कोई काम ना हो तो उनको काम देना उनका अधिकार में, ऐसा अधिकार दे रहा है सरकार कि आपको 100 दिन हम काम देंगे गारंटी. नेक्स्ट है टाइम बाउंड गारंटी, 15 डेज फॉर प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू बी पेड. अगर सरकार कोई काम ना दे पाई तो सरकार क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी देगी. अगर सरकार ने सोचे काम नहीं दे पाया किसी भी कारणवश तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे देगी, वो जो जो उसका पैसा होता है वो उनको दे देंगी काम ना करके भी. ओके गारंटेड एम्प्लॉयमेंट अप टू 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर पर हाउस होल्ड डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल डिमांड. कितना डिमांड है इसके ऊपर फोकस करके 100 दिन साल में उनको दिया जाएगा कि वो काम करे. नेक्स्ट है लेबर इंटेंसिव वर्क 60:40 वेज एंड मटेरियल रेशियो फॉर परमिशेबल वर्क्स एट ग्राम पंचायत, नो कॉन्ट्रैक्टर और मशीनरी. कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा, ये सिर्फ 60:40 वेज के हिसाब से इसको काम दिया जाएगा, मतलब एक रेशियो होगा इस हिसाब से काम दिया जाएगा. ओके मटेरियल रेशियो के हिसाब से. नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग कैन बी नोटेड. ग्राम सभा टू रिकमेंड्स वर्क, ग्राम सभा जो है वो रिकमेंड करेगी कैसे डिसेंट्रलाइज को किया जाएगा. डिसेंट्रलाइज को फोकस करने के लिए, डिसेंट्रलाइज को प्लानिंग करने के लिए ग्राम सभा जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा. तो ग्राम सभा बताए कि कौन कौन से एरिया में क्या क्या काम करना चाहिए. सोचे कि इस एरिया में पानी का खुदाई जरूरी है तो पानी का खुदाई होगी. किसी भी एरिया पर अगर फॉरेस्ट की कोई काम है तो वो बताएगी. नेक्स्ट है एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क ग्राम पंचायत फॉर एग्जीक्यूशन. 50% वर्क जो है वो ग्राम पंचायत, एटलीस्ट 50% वर्क वो ग्राम पंचायत के पास, मतलब जो होगी वो एग्जीक्यूट करेगी. ग्राम पंचायत वो उसे इम्प्लीमेंट करेगी, उसे एग्जीक्यूट करेगी. ओके प्रिंसिपल रोल ऑफ PRI इन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग. सो ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकते और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकते, इसलिए जो हमारे पंचायत लेवल है वो पंचायत लेवल ही प्लान करेगी इसके बारे में, इसको इम्प्लीमेंट भी करेगी, उसको मॉनिटर भी करेगी कि कैसे ये स्कीम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, इसके बारे में ये काम करेगी. नेक्स्ट है वॉक साइड फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, फास्ट एड एंड शेड प्रोवाइडेड वॉक साइड. मतलब जब जहां पर आप काम करेंगे वहां पर पानी होना जरूरी है. कोई अगर आपको कोई खरोच आ गया या कोई भी आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट एड का जो है वो वहां पर रहना चाहिए. सो वॉक साइड पे आपके पानी, जो टॉयलेट फैसिलिटी थोड़ा देना होगा. ओके वुमेन एम्पावरमेंट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी वुमेन. मतलब जितने लोग काम करेंगे, सोचिए 100 लोग एक गांव में काम कर रहे हैं, सो 1/3 मतलब 30 लोगों को आपको काम देना ही होगा. एटलीस्ट 30 वुमेन शुड बी वुमेन, 33 वुमेन शुड पार्टिसिपेट इन दिस. मतलब 33 लोगों वुमेन को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा. नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर थ्रू वॉल राइटिंग, सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड्स एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सोशल ऑडिट. तो इसके बारे में लोगों को बताया कैसे जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगी पूरा प्रोसेस, अकाउंटेबल होगी सरकार, इसके लिए आपके पास अकाउंटेबल होगी. और ये जो वॉल राइटिंग होता है वहां पर लिखा, वॉल पर लिखी जाएगी, सिटीजन को इंफॉर्मेशन के लिए बोर्ड लगाई जाएगी, हाँ बताई जाएगी लोगों को. यहाँ पर सोशल ऑडिट के थ्रू कुछ भी कुछ के
थ्रू कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट किया गया है, आपका बारी कब है, कब काम होगा, इससे सब चीजें के बारे में जो लोग हैं उनको बताया जाएगा। नेक्स्ट है फंडिंग 100% कॉस्ट टुवर्ड्स अनस्किल्ड वेजेस एंड 50% टुवर्ड्स स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड मेटेरियल इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% ऑफ स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड मेटेरियल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूट बाय द स्टेट। मतलब यहाँ पर जो फंडिंग है, जो आपको लोगों को पैसा दिया जाएगा काम के लिए, वो फंडिंग जो 75% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड 25% जो देगी वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। ओके और यहाँ पर जो इन एडिशन 6% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द सेंटर फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंट। 6% एक्स्ट्रा दिया जाएगा सेंटर के थोड़ा सा मतलब द्वारा कि जैसे कि ये इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से हो, अच्छी तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए ज्यादा फोकस करेगी। ओके नेक्स्ट देखते हैं Ministry has taken the following initiative to the strengthen the program of implementation at grassroots level. ये क्यों किया गया है? ये किया गया है इसलिए कि जो grassroots level के हमारे organization हैं, पंचायत municipalities जैसे जो ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद जैसे institutions को और मजबूत करने के लिए, उनको और focus करने के लिए, okay? ये जो फोर्थ एडिशन है MGNREGA के, ये ऑपरेशनल उनका कुछ गाइडलाइंस है। ओके सो क्या बताता है इस गाइडलाइंस में, ये गाइडलाइंस फोर्थ एडिशन ऑफ MGNREGA जो अभी काम चल रहा है फिलहाल, वो 2013 वाला है, जो लास्ट फरवरी में 2013 में आया, इस एडिशन पे अब काम हो रहा है। यहाँ पर क्या बताया गया है, द रिवाइज गाइडलाइंस हैव अटेम्प्ट टू मीट इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस थे उसके बारे में बात किया गया है, कैसा, एक्यूरेट कैप्चरिंग ऑफ डिमांड फॉर द स्कीम, जो एक्यूट डिमांड है उनको मिटाना। ओके डिले इन वेज पेमेंट, क्या होता था कि पहले आप काम कर लेते उसके बाद आपको पैसा मिलता, अभी डायरेक्ट बैंक में आता है। इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अब पहले उतना ट्रांसपेरेंसी नहीं था, अकाउंटेबिलिटी नहीं था, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जाकर वो काम करवाता, तो वो जो प्रॉब्लम्स थी उन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए ये नया जो गाइडलाइंस दिया गया है। ओके द लिस्ट परमिसेबल वर्क्स अंडर MGNREGA, मतलब इस स्कीम के द्वारा क्या हुआ है, पूरा अकाउंटेबल सिस्टम किया गया है कि कोई कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ओके नेक्स्ट, ये इसका पहले नाम था NREGA, मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो इसका नाम चेंज हुआ है, पहले था जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट UPA गवर्नमेंट ने लाई थी वो था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर ये स्कीम का नाम चेंज करकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट किया गया है, यहाँ पर नाम चेंज किया गया है। ओके सो इसे आपको याद रखना होगा। तो 2005 में ये स्कीम आया और 2009 में इसका नाम चेंज हो गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो MGNREGA कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसका इंप्लीमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन रखते हैं। फर्स्ट, ये नो पॉवर्टी की तरफ जाती है, मतलब कोशिश करते हैं कि पॉवर्टी ना रहे गांव में, लोगों के पास अगर काम रहेगी तो पॉवर्टी भी घट जाएगी। नेक्स्ट है जीरो हंगर, अगर पॉवर्टी हट जाएगी तो लोगों के पास खाना पीना खाना आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जो प्रिंसिपल है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, लोगों के पास काम होगा तो उनके पास पैसा होगा तो खा पिएंगे तो उसके पास हेल्थ अच्छा होगा। नेक्स्ट है क्वालिटी एडुकेशन, लोगों के पास अगर काम होगा तो वो एडुकेट होंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। ओके नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी, वुमेन्स के लिए प्रोटेक्शन है, वन थर्ड ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन, सो जेंडर इक्वलिटी की भी एक कोशिश की गई है। नेक्स्ट है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सब लोगों को काम की एक खोज दिए जा रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे बढ़ेगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर गांव में आप कोई खुदाई की काम करे या फॉरेस्टेशन की जैसे भी काम करे, सो इससे क्या होगा, कोई इंडस्ट्री या कोई इनोवेट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होगा, कोई काम नया होगा। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, जो इनइक्वलिटीज थी कि आपके पास सोचो कोई पानी का व्यवस्था नहीं है तो पानी का व्यवस्था नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते थे, तो उस टाइम आप बेकार थे तो आपके लिए कुछ काम दिया जा रहा है, सो इनइक्वलिटीज को घटाया जा रहा है इस स्कीम के द्वारा। सो MGNREGA कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है हमारे उनके
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, मतलब टोटल कितने, छह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के जो मोटो है ये सिक्स को कंट्रीब्यूट करता है. ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये जो एमजी एनर्जी है, जो स्कोप एंड कवरेज है, ये कितना कवरेज करती है. जो एनर्जी था सॉफ्ट स्पैन अक्रॉस 31 स्टेट्स, 89% कवरेज देता था. ये जो एनर्जी स्कीम है हमारे, वो था 31 स्टेट्स जो उनमें काम करते हैं. 600 टाइप डिस्ट्रिक्ट में ये काम करता है. 95.5 कवरेज देता है. ये इतना ज्यादा लोगों को लेकर काम करता है, मतलब 6,40,302 विलेजेस में ये कवरेज देता है. और फंक्शनल उसको कितना है, ये जो एनर्जी है ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल के ऊपर काम करता है. एडमिनिस्ट्रेटिव काम देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूलेशन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव को और अच्छी करता है. नेक्स्ट है वर्कर मैनेजमेंट मॉड्यूल, वर्कर के मैनेज, वर्कर को और काम देता है. ओके फाइनेंशियल मॉड्यूल के ऊपर काम करता है, लोगों के पास पैसा आता है. नेक्स्ट है वर्क्स मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है, मतलब वर्क लोग पाते हैं, कुछ काम पाते हैं. स्टोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है, प्रिफरेंसेस जो उनके पास वो बता सकते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, पहले ये नहीं हो सकता बैंक में डायरेक्ट आता है. नेक्स्ट है कॉस्ट एमिशन, उनके पास काम आ रहा है, वो काम कर पा रहे हैं, इसके बारे में ये जो एनर्जी है ये काम करता है. ओके सो ये है दैट्स अ लेक्चर. थैंक यू फॉर इट.